बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेगोशिएशन ऑफ अ बिल। नाउ व्हाट इज दिस नेगोशिएशन ऑफ अ बिल, उसको हम पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं, फिर उसके मोड्स ऑफ नेगोशिएशन जो है उसको भी हम देखेंगे। सो स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ नेगोशिएशन ऑफ अ बिल। नेगोशिएशन मतलब अगर इसकी हम मीनिंग निकाले, ट्रांसलेशन निकाले हिंदी में, तो इसका मतलब होता है बातचीत करना, नेगोशिएट करना आपस में। तो वही चीज हम यहां पे करेंगे। हम क्या करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे आपको कि व्हाट इज दिस नेगोशिएशन ऑफ अ बिल। सो नेगोशिएशन मींस द ट्रांसफर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज टू अनदर पर्सन इन सच अ मैनर दैट द ट्रांसफरी ऑफ द बिल बिकम इट्स होल्डर। देखिए क्या है नेगोशिएशन का क्या मतलब है, ट्रांसफर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। किसी एक पार्टी के पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो क्या कर रहा है, किसी और को ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफर कर रहा है किस मैनर में कर रहा है, एक्सचेंज टू अनदर पर्सन इन सच अ मैनर दैट द ट्रांसफरी, जिसको वो बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर किया गया उसको हम ट्रांसफरी बोलेंगे। ध्यान रखिए, एक ट्रांसफरर होता है, एक ट्रांसफरी होता है। जिसने जिसको ट्रांसफर किया उस पार्टी को कहेंगे ट्रांसफरी। इन सच अ मैनर दैट द ट्रांसफरी मतलब जिसको दिया बिल, ट्रांसफरी ऑफ द बिल बिकम्स इट्स होल्डर, जिसको मैंने वो बिल दिया वो होल्डर बन गया। बिल मेरे पास था, मैंने किसी और के नाम कर दिया, विच इज नोन बाय द नेम ट्रांसफरी। उसको जो बिल मिला वो क्या बन गया, ओनर बन गया उस बिल का, बिकम्स इट्स होल्डर, होल्डर बन जाएगा एक तरह से। हु हैज द राइट टू पास टू पोजेस द बिल इन हिज ओन नेम एंड टू रिकवर द अमाउंट मेंशन्ड देयरइन फ्रॉम कंसर्न्ड पार्टीज। अब उसके हैंड में बिल है, अब वही उसका होल्डर है, उसी को वो बिल का अमाउंट ड्यू डेट पे मिलेगा। सिंपल सा है नेगोशिएशन ऑफ अ बिल। आई थिंक एक बार फिर से हम शॉर्ट में रिकॉल कर देते हैं, नेगोशिएशन क्या है। सपोज मेरे पास बिल है, मैंने किसी और को वो बिल दे दिया, अब ये बिल किसके पास आ गया है, सी के पास। सी इज द होल्डर ऑफ द बिल। अब ड्यू डेट पे सी क्या करेगा, जिससे भी पैसा लेना होगा, हम मान लेते हैं बी से इसको पैसा रिकवर करना है, द अमाउंट ऑफ द बिल रिकवर करना है, तो बी से ये ड्यू डेट पे रिकवर कर लेगा। एक तरह से कहते हैं कि ए का रोल खत्म हो गया, ए ने क्या किया, नेगोशिएट कर दिया बिल किसके नाम पे, सी के नाम पे। अब सी क्या करेगा, उसका अमाउंट रिकवर करेगा। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गई हमारी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएशन ऑफ अ बिल। नाउ मोड्स ऑफ नेगोशिएशन, अब ये नेगोशिएशन किस तरीके से किया जाता है, तो देखिए मोड्स में हमारे पास है टू टाइप्स ऑफ मोड्स आर देयर, नेगोशिएशन बाय मेयर डिलीवरी। अब इसका क्या मतलब है मेयर डिलीवरी, देखते हैं क्या। व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल टू बेयरर इट मे बी नेगोशिएटेड बाय मेयर डिलीवरी। बेयरर को जैसे ही बिल दे दिया जाएगा, उसको फिजिकली प्रोवाइड कर दिया जाएगा, हैंड में दे दिया जाएगा, वो उसका होल्डर बन जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज का। यहां पे सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वैसे जब बिल किसी और के नाम किया जाता है तो पीछे जो ड्रॉअर है वो साइन करता है बिल के कि हम उसको वो बिल दे रहे हैं, अब वो पैसा उसको मिलना चाहिए। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे लिखा है सिर्फ डिलीवरी, उसके हैंड में पकड़ा दिया गया, डिलीवरी दे दी गई, अब वो अपना पैसा रिकवर कर लेगा बी से, जिससे भी लेना है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं। ध्यान रखिएगा यहां लिखा है नो सिग्नेचर रिक्वायर्ड, इसमें है सिग्नेचर चाहिए, यहां पर हम बताएंगे आपको कैसे। पहले इसका एक एग्जांपल देते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, ए के पास एक बिल है, वो क्या कर रहा है, सी को वो बिल हैंडओवर कर दे रहा है फिजिकली, मतलब एक डिलीवरी देकर वो हैंडओवर कर दे रहा है बिल। अब बिल किसके हैंड में है, सी के हैंड में है, सी को बिल मिल गया, नेगोशिएशन हो गया, बाय डिलीवरी हो गया, फिजिकली उसने पकड़ाया, जैसे ही उसके पास वो बिल आ गया वो होल्डर बन गया। दिस इज योर नेगोशिएशन बाय डिलीवरी। आई थिंक बहुत इजी था। ये ध्यान रखिएगा इसमें सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रिक्वायरमेंट कब होती है सिग्नेचर की, विच इज इन दिस मोड, विच इज नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंडोर्समेंट के केस में सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए हम एंडोर्समेंट वाला टॉपिक भी आपको बता देते हैं क्या है, व्हाट इज दिस एंडोर्समेंट। व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और टू हिज ऑर्डर ओनली बाय एंडोर्सर एंड डिलीवरी। देखिए क्या किया जा रहा है, बिल है ए के पास, वो बिल अपना क्या कर रहा है, सी को दे दे रहा है। कैसे दे रहा है, ये मेन यहां पे हमारा टॉपिक है। तो कैसे दे रहा है, वो एक बिल है डॉक्यूमेंट, इसमें क्या हो रहा था, वो डिलीवरी जैसे उसके हैंड में पकड़ाया खत्म। यहां पे क्या होगा, उस बिल के पीछे एक नेम लिखेगा, सी का नेम लिखेगा और अपना सिग्नेचर करेगा ए। सिग्नेचर जैसे ही करेगा वो सी के नाम पे एंडोर्स हो गया। इसी को हम कहते हैं एंडोर्समेंट, अपना बिल किसी और के नाम पे दे देना, बाय साइनिंग इट एट द बैक ऑफ द बिल।
दिस इज एंडोर्समेंट. क्या है? व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, एक स्पेसिफाइड पर्सन के नाम वो बिल कर दिया गया है बाय साइनिंग इट एट द बैक और टू हिज ऑर्डर, जिसको वो ऑर्डर देगा पेमेंट के लिए. तो ये हमारा मोड क्या था? नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. बहुत इजी सा टॉपिक है हमारा नेगोशिएशन ऑफ अ बिल. देयर आर टू टाइप्स, टू मोड्स ऑफ नेगोशिएशन. फर्स्ट इज योर नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, देन नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. अब नेक्स्ट टॉपिक में ये एंडोर्समेंट वाला जो टॉपिक है इसको हम डिटेल में समझेंगे कि एंडोर्समेंट होता क्या है, एंडोर्समेंट करते समय क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम इसी नेक्स्ट वीडियो में एंडोर्समेंट के साथ ही कराएंगे.